नमस्कार दोस्तों दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों का एथिक्स का एक चैप्टर चल रहा था, ठीक है। तो एथिक्स का एक चैप्टर था भावनात्मक क्षमता और इमोशनल इंटेलिजेंस। और उसी पहले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ देख लिए थे, गोलमैन और डेनियल का मॉडल और भावनात्मक क्षमता क्या होती है, इससे संबंधित चीज़ों को हम लोगों ने देखा था, ठीक है। आज सेकंड लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें, आप लोगों को यह कार्य मेरा अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है जीएस फोर्थ पेपर का, जीएस पूरे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों पेपरों का एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है। तो चाहें तो आप लोग उसमें ज्वाइन भी हो सकते हैं, और बस आप लिखते रहिए, उसी में ये सब सारी की सारी पीडीएफ और सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं, और ड्राफ्टिंग के माध्यम से और फ्लो चार्ट के माध्यम से ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अंततः आपको प्रैक्टिस ही करनी होती है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, और जो लोग इस बार सिलेक्शन चाहते हैं तो दोस्तों आंसर राइटिंग आपको अंततः करनी ही पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। तो आप इतना करिए कि कम से कम जो अच्छे से आंसर राइटिंग है उसको करते रहिए, और आंसर राइटिंग के बिना आप लोग मेरिट में नहीं जा सकते, क्योंकि आंसर राइटिंग के आधार पर ही आप लोगों को अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे, ठीक है। और मार्क्स प्राप्त होने के बाद ही आप अच्छे मेरिट और अच्छी जॉब को पा सकते हैं, ठीक है। तो ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी ही पड़ेगी, अंततः कुछ भी आपको करना पड़े आपको करना चाहिए, ठीक है। और यह जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, 350 प्रश्न आप लोगों को डेली प्रोवाइड किए जाते हैं, डेली का मतलब है प्रतिमाह, सॉरी। तो इसमें लगभग 350 प्रश्न प्रतिमाह आप लोगों को मिलते हैं, और यहाँ से आप लोग ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप केवल वही लोग ज्वाइन करें जो लोग बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करना चाहते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर मैं क्वेश्चन देता हूँ, 2 क्वेश्चन आप उन्हीं को करते रहिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए, ठीक है। और इससे संबंधित कोई भी जो जीएस का ग्रुप चल रहा है तो जीएस के ग्रुप से संबंधित कोई भी जानकारी आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, और या तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग पूरी की पूरी डिटेल दी गई है आप लोगों को, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे भावनाओं का प्रबंधन करना, जैसे जो हमारी फीलिंग्स होती हैं तो भावना होती है, तो भावनाओं को प्रबंधित कैसे करना चाहिए, ये गोलमैन भाई साहब थे तो उन्होंने ये है सिद्धांत को बताया था, ठीक है। और गोलमैन ने क्या बताया था कि सबसे पहला चरण क्या होता है भावनाओं का प्रबंधन करने में, कि भावनाओं के प्रबंधन में जो सबसे पहला चरण होता है स्वयं की भावनाओं को जानने की प्रक्रिया, कि जैसे अब कोई मैं हूँ तो मेरी इच्छा क्या करती है, अच्छा करने की करती है या बुरा करने करती है, क्या मैं दूसरों के साथ गलत करता हूँ तो किस तरीके की फीलिंग है मेरे अंदर, ठीक है। या कोई एक सिविल सेवक है, सिविल सेवक के अंदर किस प्रकार की भावना होती है, या खुद के अंदर आप खुद सोचिए। सबसे पहला ही पॉइंट्स है इनका कि भावनाओं को प्रबंधित आप तभी कर पाएंगे जब आप अपनी भावनाओं को जान पाएंगे, ठीक है। कि जैसे आप आपके घर में एग्जाम्पल जब आपके बेसिक होंगे, बेसिक का मतलब यह है आपसे मिले जुले होंगे, आस पड़ोस में आप उन एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, कैसे कि जैसे आप कोई वीरेंद्र नाम का एक लड़का है, ठीक है, वीरेंद्र नाम का एक लड़का है और उसका एक फ्रेंड है आपका राजेश नाम से, ठीक है, राजेश नाम से एक फ्रेंड है। अब उसने क्या किया, इसको उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया, ठीक है, अपनी इच्छाओं को इसने नहीं समझा या अपनी जो भावनाएं थीं उनको इसने नहीं जाना, और उसको यह एहसास भी नहीं हुआ कि इसने गाली देना चालू कर दिया,
ठीक है, या किसी को बुरा बोलना चालू कर दिया, तो ये क्या चीज़ें हैं? आप सबसे पहले तो प्रबंधित तभी रहेंगे कि जब आप जो करने जा रहे हैं या जो आपके अंदर फीलिंग आ रही है, कि जैसे वीरेंद्र को एक फीलिंग आई कि मुझे एक कंटाप लगानी चाहिए राजेश के, तो ये क्या है? आप करने से पहले एक चीज़ सोचते भी हैं ना, तो वो सोचने वाली प्रक्रिया, जिस समय जो चीज़ वीरेंद्र के मन में आई, तो वो क्या कहलाती है? भावना, कि किस टाइप की भावना है? आप मंदिर में जाते हैं तो एक आस्था की भावना लेके जाते हैं, एक मॉल में जाते हैं तो घूमने फिरने की एक भावना लेके जाते हैं कि मुझे आज घूमना है, बिग बाज़ार मुझे जाना है, तो आज खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, ठीक है? तो वहाँ की क्या है, जिस प्लेस पर भी जा रहे हैं तो उसी टाइप की भावनाएं आपके अंदर आएंगी। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो आज बोलते हैं कि आज इन्जॉय करेंगे, तो आपके अंदर भी एक भावना उत्पन्न होती है कि हाँ आज हम इन्जॉय करेंगे, मूवी को इन्जॉय करेंगे, या हम बिस्कुट खाने जा रहे हैं तो बिस्कुट को खाने से पहले हमारे अंदर क्या है, एक भावना जागृत होती है कि कैसी है भावना। अगर हम एक आतंकवादी ग्रुप संस्था से जुड़ने जा रहे हैं तो आप खुद सोच के देख सकते हैं कि वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना होगी, आप खुद सोच के देखिए कि उसकी मनःस्थिति कैसी होगी। उसकी भावना बस लोगों को मारने की, काटने की, इसी टाइप की भावनाएं उसके अंदर आती होंगी। तो गोलमैन जी ने बताया कि गोलमैन ने ये बताया कि सबसे पहले क्या है, सबसे अगर आपको भावनाओं का प्रबंधन करना है, सबसे पहली बात यही है कि जो इस बिरेंदर की भावनाएं हैं, कौन कौन सी भावना उत्पन्न हो रही है, ठीक है, सबसे पहले तो आप भावना को जानिए कि भावना होती क्या है, ठीक है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं तो उनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि भावना कहाँ से उत्पन्न, किस तरीके से आती है, और आने के बाद हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। और क्या है कि भावनाओं का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, कि दूसरों के साथ एक सहानुभूति की भावना, सहानुभूति भी नहीं, सहानुभूति का मतलब ये होता है कि सिंपैथी दिखाना। जैसे कोई एक गरीब व्यक्ति है या कोई आपका फ्रेंड है, आपने उसके ऊपर जताया अरे ये बहुत गरीब है और ये बुक भी नहीं खरीद पा रहा है, आपने एक जताई जी, ठीक है, आपने एक सहानुभूति जताई, सिंपैथी जताई कि हाँ अरे बहुत गरीब है, ये कुछ खाने पीने के लिए इसके पास में नहीं है, ठीक है। तो भावनाओं का प्रबंधन करने में सहानुभूति बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। और क्या है भावनाओं को प्रबंधन करने में तीसरा पॉइंट, ये गोलमैन बोलते हैं कि भावनात्मक संतुलन करना। भावनात्मक संतुलन का मतलब ये है कि जैसे एक कोई ए व्यक्ति है और इनका कोई एक महिला या पुरुष मित्र है, ठीक है, महिला या पुरुष मित्र हैं, ठीक है, अब ये फ्रेंड है दोनों, अब दोनों क्या है, ठीक है, फ्रेंड फ्रेंडशिप है दोनों के बीच में, अब ये करते क्या हैं, भावना भावना में बह के कुछ ना कुछ काम करते हैं, गलत काम करते हैं। और क्या है, अगर ये इनको कुछ बोलते हैं, ये इनकी फीलिंग को नहीं समझते, ठीक है, ये इनकी भावना को नहीं समझते, एक दूसरे में आर्गुमेंट होता है, आप मेरी भावना को नहीं समझते, दूसरा बोलता है आप उनकी भावना को नहीं समझते, तो ये क्या है, भावना का संतुलन तभी होगा जब आप अपनी फीलिंग को समझेंगे और दूसरे की भी फीलिंग को समझेंगे, तब आप अपने भावनाओं का प्रबंधन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और किस तरीके से आप अपनी भावनाओं का प्रबंधन कर सकते हैं, कि जैसे जो भावनात्मक साक्षरता होती है, भावनात्मक साक्षरता का मतलब ये है, गोलमैन ने बताया है कि भावनात्मक साक्षरता बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो एक भावनात्मक कौशल होता है, ठीक है, भावनात्मक कौशल, तो यह क्या कहलाती है, इमोशनल स्किल कहलाती है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के अंदर, कि जैसे आप जब जो भी एहसास आ रहा हो किसी भी चीज़ को लेके, कि जैसे हम एक रूम में बैठे हैं तो हमें शांति का एहसास आ रहा है, हम गाड़ी में जा रहे हैं घूमने का एहसास आ रहा है, तो एहसास किस टाइप का है ये आपको विचार करना होता है, और आप उसको मैनेज कैसे करते हैं, अच्छा है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, अगर बुरा है तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे कोई विचारधारा है, विचारधारा को दो प्रकार की हो सकती है, या तो अच्छी होगी या तो बुरी होगी, ठीक है, अच्छी विचारधारा क्या कहेगी, लोगों की सेवा करनी चाहिए, सभी के साथ अच्छा करना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक विचारधारा आपके मन में उत्पन्न और होगी कि
आप आतंकवादी संगठन को ज्वाइन करिए या किसी भी ऐसे उग्र संगठन जो जितने भी हैं नक्सलवाद या जितने भी बड़े बड़े लिट्टे हुआ, तो ये जितने भी लश्कर-ए-तैयबा हुआ, मतलब इन जो भी आतंकवादी संगठन हैं, तो इनको इनकी खुद की एक विचारधारा होती है। तो आप विचारधारा को पहचान सकते हैं कि आप गलत वे में जा रहे हैं या सही वे में जा रहे हैं, ठीक है। तो विचारधारा का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और व्यवहार जो आप व्यवहार करते हैं, तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप अच्छा व्यवहार करेंगे या तो गलत व्यवहार करेंगे। अब अगर आप गलत व्यवहार करते हैं तो आप क्या कहे जाएंगे, अनैतिक कहलाते हैं, ठीक है। आप अपनी भावनाओं को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, आपने थोड़ा सा गुस्सा कोई दिला के आपसे गलत काम करवा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, आप अपने व्यवहारों को भी संतुलित करना होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपकी भावनात्मक कौशल क्षमता में आती हैं। अब संज्ञानात्मक कौशल क्या होता है, संज्ञानात्मक कौशल का मतलब ये है कि सेल्फ टॉक से आता है, खुद से बात कीजिए कि अच्छा आज मैंने इस फ्रेंड के एक कंटाप मारी थी, तो क्या मैंने वो काम अच्छा किया था, या मैंने एक दोस्त की हेल्प करी थी, ठीक है, तो मैंने क्या अच्छा किया था। और क्या है, आप शाम को प्रतिदिन, जैसे कोई आप सभी लोग जितने लोग भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने के बाद आप इतना करिए कि शाम को जिस समय आप सोने जाइए उस समय आप 10 मिनट सोचिए कि आज कोई, मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए जैसे नेहा या सुरेश, कोई भी महिला या पुरुष कोई भी हो सकते हैं, तो नेहा या सुरेश से क्या गलती हुई है आज, या क्या अच्छा किया उसने, बस इतना देखिए। और आप खुद से बात करिए कि हाँ मैंने आज ये किया, मैं सुबह उठा था तो वहाँ गया था, आज मैंने इसके साथ अच्छा किया या इसके साथ मैंने बुरा किया, तो ये क्या है, यह कुछ भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है। जब आप चीज़ों को बातों में करेंगे, ठीक है, उसको समझेंगे बोल बोल के कि हाँ यार मैंने ये गलत कर दिया, ये चीज़ मुझसे गलत हो गई, ठीक है, तो अब जब बोलेंगे तो आप अपनी जो एक प्रस्तुतिकरण है उसको अच्छा कर सकते हैं, अगले दिन आपके जाके मतलब आपके आपसे वह गलती नहीं होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को समझना होगा कि सेल्फ टॉक से करने के बाद आप अच्छी चीज़ों को आगे लाइए, बुरी चीज़ों को हटा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, संज्ञानात्मक कौशल, कि जिसमें आप किसी भी जो आपने गलती करी है या जो भी चीज़ें करी हैं, शाम को आप सेल्फ टॉक के माध्यम से आप खुद से बोलते हैं कि हाँ राहुल मैं ये काम करता हूँ, मैंने ये आज किया, मैंने ये गलत काम किया, तो उसमें क्या है, सारी चीज़ें आपकी पता लगती हैं और आप अच्छे तरीके को जो आप कल कार्य करने जा रहे हैं उसका प्रस्तुतिकरण बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। और क्या है कि जैसे व्यवहार कौशल से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, कि व्यवहार से संबंधित भी चीज़ें होती हैं, कौशल होते हैं। तो जैसे जिस समय आप व्यवहार कर रहे होते हैं वो तरीका कुछ हो सकता है, कि जिस समय आपके फीलिंग क्या ऐसी आती है, ठीक है, किस तरीके से आती है, तो एक नॉन वर्बल होता है, एक वर्बल होता है। तो वर्बल में क्या होता है कि स्पष्ट रूप से आप बोलते हैं, अनुरोध करते हैं, चीज़ों को बताते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ है, ये मेरी भावना है, मेरी भावना है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करूं, मुझे SDM बनना है। तो ये क्या है, एक फीलिंग है, हमने एक लक्ष्य बनाते हैं और उसी फीलिंग के तहत हम कार्य करना चालू कर देते हैं, प्रस्तुतिकरण भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। और नॉन वर्बल में क्या होती है कि जैसे हमारे अंदर कोई भावना जागृत हुई, ठीक है, कि हमें घूमना चाहिए, तो हमने क्या किया, किसी से इशारे में बोला चलो अच्छा है ऐसा करते हैं चलते हैं, तो हमने क्या है इशारे में बोला वो चीज़ें, ठीक है, शारीरिक भाषा भी हो सकती है उसको बयां करने की, उसको बोलने की, ठीक है। तो ये व्यवहार से संबंधित भावनाओं का प्रबंधन कौशल है, ठीक है, किस तरीके से व्यवहार में, व्यवहार से आप अपनी भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं, ठीक है, व्यवहार कौशल के माध्यम से अपनी भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं। तो माध्यम कौन कौन से होते हैं, आपका हाव भाव हो गया, शारीरिक भाषा हो गई, और वर्बल में आता है आपका स्पष्ट अनुरोध करते हैं आप उनसे, ठीक है।
चलिए, ये अभी हम लोगों ने गोलमन का भावनाओं का प्रबंधन करने का टॉपिक पढ़ा। अब हम दूसरे टॉपिक में चलते हैं। दूसरा टॉपिक कौन सा है कि भावनाओं के प्रबंधन के प्रशासन में लाभ क्या है, कि जैसे भावनाओं का जो प्रबंधन होता है इसके प्रशासन में कौन से लाभ हैं। ठीक है, तो इनको अब हम लोग देखेंगे कि भावनाओं के प्रबंधन से जो हमारी सिविल सेवा है या लोक प्रबंधन है उसमें किस तरीके से यह लाभकारी साबित होंगे। तो संगठन के कर्मचारियों के बीच बेहतर संबंध कैसे, अब इसको सोचिए कि जैसे एक मान लीजिए एक कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, यहाँ पर डीएम है और यहाँ पर अधीनस्थ अधिकारी हैं, बहुत सारे अधिकारी काम करते हैं। अब डीएम भाई साहब जो हैं इनको अगर लोगों की भावनाओं को समझना ही नहीं आता, प्लस अपनी भावनाओं को समझना है कि हम क्या सोचते हैं समझते हैं इन बी व्यक्ति के बारे में, या जो भी अधिकारी हैं सीडीओ हो गए या आपके एसडीएम हो गए, तो डीएम अगर नहीं समझता है तो फिर दिक्कत खड़ी होगी। और संगठन में पूरे ज़िले को ही एक संगठन मान लीजिए, ठीक है, ऐसे एक कोई छोटा सा डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कोई पुलिस विभाग भी हो सकता है, कि जैसे पुलिस विभाग में कोई मान लीजिए जैसे एसपी होता है, ठीक है, एसपी के अंडर बहुत सारे थाने और बहुत सारी चीज़ें आती है, पूरे ज़िले का प्रशासन आता है। ठीक है, तो अब एसपी को क्या करना होगा कि लोगों के बीच में अगर उसका भावनाओं का प्रबंधन अच्छा है, भावनाओं का प्रबंधन का मतलब यह है कि खुद की इच्छाओं को जानना सबसे पहली बात, और क्या हमें कार्य करवाने हैं दूसरों से उसको भी जानना, और फिर उसी की तरीके से व्यवहार करना। जो भी हमें कार्य करवाने हैं, हमें गलत करवाना होगा तो हम वही उसी तरीके से व्यवहार करेंगे, हमें अच्छा करवाना होगा तो हम उसी तरीके से व्यवहार करेंगे। तो ये क्या है, जितने भी ग्रुप में या संगठन में या डिपार्टमेंट में जितने भी लोग होंगे उन सबके बीच में अगर भावनाओं को, एसपी को भावनाओं का प्रबंधन करना आता है, लोगों के बीच में लोगों से संपर्क बनाने में कोई असुविधा नहीं होती है, और अगर भावनाओं का प्रबंधन वो दूसरे की भावनाओं का प्रबंधित करता है अच्छे से, तो जो ग्रुप संगठन के लोग होंगे उनके बीच में बेहतर संबंध होंगे। बहुत सी बार आपने देखा भी होगा कि बहुत से अधिकारी हैं जो एक ड्राइवर से, जिस जो उनका ड्राइवर होता है तो ड्राइवर से भी उनके बेहतर संबंध होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट होती है अलग अलग, लेकिन इंसान तो एक ड्राइवर भी होता है ना, और इंसान एक डीएम भी होता है। ठीक है, तो दोनों में कहीं ना कहीं संबंध अच्छे होते हैं। किससे होते हैं, भावनाओं के प्रबंधन से। और क्या है कि अधिकारियों के बीच ऊंच नीच की भावना को समाप्त करना होता है, कि जैसे बहुत से अधिकारी होते हैं कि अपर पोस्ट पर हैं तो अपने आप को बहुत सुपीरियर बताते हैं, अच्छा हाँ ठीक है, जो अब जो छोटे पोस्ट पर होते हैं उनको कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, ये इन चीज़ों को ख़त्म करता है। अगर जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन भावनाओं को प्रबंधित करना जानता है तो उसके लोगों से बेहतर संबंध भी होंगे, और जो अधिकारी वर्ग है उसमें ऊंच नीच की भावना को भी समाप्त किया जा सकता है भावनाओं के प्रबंधन से। अगला क्या है, परियोजना के संचालन में नागरिकों की भावना को समझने में अधिकारी की सहायता करना, कि जैसे कोई अगर व्यक्ति है अगर वो दूसरे की भावनाओं को, फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से समझता है तो उससे क्या होगा, अगर कोई परियोजना है जैसे मान लीजिए कोई भी एक परियोजना मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, और जो नागरिक वर्ग है नागरिक वर्ग की भावनाओं को भी बता सकता है कि इसमें इतने लोगों को लगाया जाए, इतने लोगों को लाभ होगा, और जो अधिकारी है जो उसका सुपीरियर अधिकारी है तो वह उसको बता सकते हैं कि हाँ इस परियोजना से आपको भी लाभ होगा और आपके भी कार्यों को सराहना मिलेगी और आप लोक सेवा की भावना भी बढ़िया से क्रियान्वयन होगा। तो बात यही थी कि भावनाओं का प्रबंधन जो है वो परियोजना संचालन में और नागरिकों की भावना को समझने में यह बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। और क्या है अगला पॉइंट, कि पीड़ित व्यक्ति की भावना को समझना और प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करना। अब जैसे मान लिया प्रशासन में आप कहीं के जिले के डीएम हैं या एसडीएम हैं या सीडीओ हैं या बीडीओ हैं, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, तो आप या मान लीजिए पुलिस में एसआई हैं, तो आपको क्या करना होता है, व्यक्ति की जो पीड़ित व्यक्ति है
इसमें अच्छा एग्जाम्पल पुलिस का ही होगा कि जैसे कोई एक पुलिस में कोई एसपी हैं, तो एसपी के पास में एक पीड़ित महिला या पुरुष जाता है, तो अगर उस व्यक्ति को जो एसपी हैं उनको अगर यह अच्छी तरीके से आता है भावनाओं को समझना कि अगले के साथ में बहुत ही बुरा हुआ है, इसके साथ में देखिए कितना बुरा बुरा घटित हो चुका है, वो उनकी बातों को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, और वहीं पर उनकी प्राथमिकता के आधार पर जो भी है वो उनके लिए निराकरण करते हैं, उस समस्या का निराकरण करते हैं। तो ये क्या है, यह भावनाओं के प्रबंधन से ही सारी चीज़ें आती हैं, और प्रशासन में यह चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और क्या है, कार्यस्थल में कर्मचारियों के अहम को संतुलित भी करता है, कि जैसे भावनाओं का, जैसे आपके अंदर एक भावना जागृत होती है ना कि मैं यार बड़ा हूँ, और एक अहम रहता है कि हाँ हम एक अधिकारी हैं, अधिकारी से पहले भी आप एक इंसान हैं, और एक अधिकारी हो या जो भी हो, सभी को पता है कि जाना उसी सैया पे है, ठीक है, उसी जो चार कंधों पे जो आदमी जाता है ना, तो जाता उसी पे है, हर व्यक्ति जाता है, एक डीएम भी जाता है, एक फिल्म स्टार भी जाता है, और एक गरीब इंसान भी जाता है। तो आप खुद सोच के देखिए कि कार्यस्थल में जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी जैसे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं, तो लोगों के बीच के अहम को भी समाप्त करने का काम करता है, ठीक है, और वहाँ पे जो जो भी व्यक्ति सुपीरियर है वो, और प्लस ग्रुप में जितने लोग हैं, वो भावनाओं के प्रबंधन से आती है, और प्रशासन में इसका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। और क्या है, अधिकारियों के बीच सत्ता प्राप्ति प्रतिस्पर्धा को भी संतुलित करता है, कि जैसे मान लिया कोई ए अधिकारी है, एक बी अधिकारी है, एक सी अधिकारी है, अब तीनों के बीच में एक होड़ मची हुई है कि जल्दी प्रमोशन लेना है, उसके चक्कर में वो गलत कार्य भी करने लगते हैं, और अगर प्रशासन में जो व्यक्ति हैं वो भावनाओं को प्रबंधित करना जानते हैं, ठीक है, और वो मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, अपने जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उनको मैनेज बहुत अच्छे से करते हैं, और दूसरों की फीलिंग्स को भी बहुत अच्छे से, और आपने देखा भी होगा कि बहुत से ऐसे सीडीओ हैं या जो एसडीएम हैं वो डीएम से ज़्यादा अच्छे कार्य करते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, वो प्रबंधन जो है अपनी फीलिंग्स का और लोगों की फीलिंग्स का उनको प्रबंधित बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, इसीलिए वो जल्दी प्रमोशन पाते हैं। तो ये जो सत्ता प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा होती है उसको भी ये संतुलित करने का कार्य करता है। और क्या है, एक प्रशासन के सामूहिक निर्णय में स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि अगर कोई सामूहिक निर्णय लिया जा रहा है तो उस समय आपकी फीलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहाँ पे क्या बात बोलनी है, मीटिंग चल रही है, मीटिंग में डीएम, एसडीएम, सीडीओ, बीडीओ सभी लोग हैं, जिले के जो एसपी और सारे लोग हैं, तो अब क्या है, वहाँ पर अब सभी का कंक्लूजन लेना है, सभी की सहमति भी लेनी है, एक सामूहिक निर्णय भी लेना है कि हाँ हमें ज़िले में आपातकाल लगाना चाहिए, या ज़िले में ये दंगाई ये कार्य कर रहे हैं, तो अब हमें किस तरीके से आगे बढ़ना होगा। तो एक सामूहिक निर्णय में क्या होता है कि डीएम ही सभी लोगों से पूछता है, या जो भी व्यक्ति है वो सभी लोगों से पूछता है कि हाँ अब इस मैटर पर क्या किया जाए आगे। तो यहाँ पर क्या है, भावनाओं को प्रबंधित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कि जैसे कोई एक व्यक्ति कोई दूसरी सलाह देगा, कोई दूसरा व्यक्ति कोई दूसरी सलाह देता है, वीडियो कोई और सलाह दे रहा है, एसपी कोई और सलाह दे रहा है, जो एसडीएम है वो कुछ और सलाह दे रहे हैं, तो क्या है, यहाँ पर जब सामूहिक निर्णय लिया जाता है तो अगर भावनाओं को प्रबंधित करना आता है तो सभी के जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको हमने ले ली, और लेने के बाद एक अच्छा तार्किक निर्णय, एक सही निर्णय क्या होता है उसको हमने लिया, ठीक है। और अगला क्या है कि अगला पॉइंट है कि आपका कर्मचारियों के बीच पुरस्कार और मान्यता आदि का प्रस्तुतिकरण, तो इसका क्या अर्थ होता है कि जैसे भावनाएं जो होती हैं लोक प्रशासन में, अगर आप अपनी ये कहते हैं ना ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो भावनाओं का प्रबंधन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, और कर्मचारियों के बीच में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वहाँ क्या करना चाहिए आपको कि लोक प्रशासन में आप अगर पुरस्कार है और आप मान्यता देते हैं लोगों को कि जो अच्छा कार्य करे उसको आप आगे बढ़ाइए, ठीक है, तो उनका प्रस्तुतिकरण भी करना होता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे आप एग्ज़ाम्पल जब सेट करते हैं कि हाँ इस चीज़ के लिए हमने ये चीज़ बनाई है या ये चीज़ विकसित की है, ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ होती है, भावनाओं का प्रबंधन से ही आती है,
ठीक है। तो ये इस टाइप के जो कार्य होते हैं, इससे क्या होता है, लोगों के दिलों में आप अपनी जगह भी बनाते हैं और अच्छे कार्यों को आप प्रोत्साहित भी करते हैं, उनको मान्यता भी प्रदान करते हैं कि हाँ कोई फला व्यक्ति ने बहुत अच्छा कार्य किया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें जितने भी आती हैं लोक प्रशासन में तो भावनाओं के प्रबंधन से ही आती हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने दो टॉपिक देखे, भावनाओं का प्रबंधन, ठीक है, और भावनाओं के जो प्रबंधन करना किस तरीके से करना होता है और भावनाओं के प्रबंधन से लाभ, ठीक है। अब ये टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया और ये पांच प्रश्न हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न हैं इस टॉपिक से संबंधित जो मैं देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर, इस टाइप के प्रश्न देखता हूँ, और कम से कम जो प्रश्न हैं, जैसे जो टफ़ वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैं यूट्यूब पर भी देता हूँ, जो यूपीएससी में पूछे गए हैं, यूपीएससी मेंस में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उन प्रश्नों को मैं वहाँ पर देता हूँ। जैसे आप तीनों टाइप के अगर प्रश्नों को हल करेंगे, जैसे जो सबसे टफेस्ट होते हैं तो उनको भी आपने कर लिया, एक मध्यम में जो होते हैं मिडिल में उनको भी आपने कर लिया, और जो बहुत इजी हैं क्वेश्चन तो उनको भी अटेम्प्ट कर लिया। तो उससे क्या होगा, आप किसी भी टाइप का आयोग पूछता है क्वेश्चंस, आप उसको अच्छी तरीके से हल कर ले जाएंगे, ठीक है। तो उससे आप लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप लोगों को ये सारी की सारी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए प्रोसेस आप लोगों को या तो मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और डिफेंस का ऑप्शनल भी दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग डिफेंस में भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है उसके माध्यम से, और 15 तारीख से आज से ही यह स्टार्ट हो रहा है। और जिन लोगों का भी डिफेंस ऑप्शनल है तो आप लोग अच्छे से यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और मेरा टारगेट ये रहेगा कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम के पहले तक, मई तक, मैं डिफेंस का ऑप्शनल कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आंसर राइटिंग के साथ में लगभग 200 से 250 प्रश्न प्रतिमाह आप लोगों को मिलेंगे, कितने, 200 से 250 प्रश्न, और बाकी सारी चीज़ें वही हैं डिफेंस में भी, कि टेस्ट सीरीज़ आपकी हफ्ते में 2 टेस्ट सीरीज़ रहेंगी और टॉपिक वाइज फ्लो चार्ट के माध्यम से नोट्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, और पीडीएफ के लिए दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।